तपस्वी बाबा पर मेहरबान। बाबा के दर कई अधिकारी भी लगाते हैं धो, चार दिन में मेडिकल और बयान तक दर्ज नहीं हुए। जयपुर, सीपी गहलोत। तपस्वी बाबा पर पुलिस पूरी तरह से मेहरबान है। चार दिनों में पुलिस ने पीड़िताओं के बयान और मेडिकल भी दर्ज करवाए हैं। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि पुलिस के कई अधिकारी भी बाबा के दर पर धोख लगाने के लिए आश्रम में जाते हैं। अभी तक तपस्वी बाबा को भाकरोटा थाने में बुलाकर पूछताछ भी नहीं की है। तपस्वी बाबा ने खुद को भगवान बताकर आश्रम में रहने वाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। तपस्वी बाबा के खिलाफ चार महिलाओं ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। भाकरोटा थाना अधिकारी मुकेश चौधरी कह रहे हैं कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कैसी जांच है कि अब तक पीड़िताओं के बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। आश्रम की सेविका ही बाबा के पास लेकर जाती। पीड़ित महिला ने बताया कि आश्रम में बाबा के पास कई सेविकाएं रहती हैं। वो कई महीने के अंतराल में आश्रम में जाती थी, तब उसे आश्रम की सेविका ही बाबा के पास लेकर जाती। आश्रम में रोजाना रात को बाबा के पास 8 से 10 महिलाओं को रोका जाता। महिलाओं को पहले ही रुकने के लिए हिदायत दी जाती थी, इसके बाद उन्हें आश्रम सेवा कार्य में लगाया जाता। पति अक्सर बाबा के पास आश्रम में जाकर सत्संग सुना करते थे। पति को बाबा ने ही कहा कि पूरे परिवार को आश्रम में लाओ, तब वो पति के साथ आश्रम में जाने लगी। मैं ही भगवान, समर्पण का भाव रख कर सब दे दो। तपस्वी बाबा आश्रम में महिलाओं से यही कहते कि मैं ही भगवान हूँ तो मेरी सेवा करो। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे रात को आश्रम में रोका था। बाबा ने उसे बुलाया और उसे एक गोली देकर कहा कि प्रसाद है, ले लो, अब तुम ईश्वर का ध्यान करो और समर का भाव रख कर मुझे सब कुछ दे दो। उसे नशा होने लग गया। नशे की हालत में बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाबा ने उसे धमकी देकर कहा कि किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। वो घर चली गई। 6 महीने के बाद दोबारा आई तो बाबा ने बुलाकर जबरन दोबारा से दुष्कर्म किया। पति बेटी को आश्रम में ले जाने लगा तो पीड़िता ने उसे जाने से मना किया और तब जाके इस बारे में पूरी जानकारी दी और तब जाकर बाबा के बारे में पूरा खुलासा हुआ है।